बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग के? ठीक है, खैरियत से? फजल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल भी नहीं हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन ब वक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोविड-19 के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। आज जो केसेस की तादाद है ओमान के अंदर, उसके अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 330 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 330 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,39,692 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर मशरक से मजीद रिकवरीज भी आई है, आप लोग देख सकते हैं 1,30,848 पर्सन की जो ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक आज ओमान के अंदर 3 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 3 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं ओमान के अंदर 1,555 पर्सन की जो है डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हकीकतन जो कोरोना वायरस का पैंटिक है वो ओमान के अंदर फैल रहा है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत हैं हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि ये जो केसेस हैं ये जीरो हो जाएँ। तो ये इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे उनकी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राउफ़ अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।